कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या घर में शंकर जी का शिवलिंग रख सकते हैं? रख सकते हो, मना नहीं है। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है उसके घर में कभी बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता। शंकर का शिवलिंग हो, पर शिवलिंग का भी प्रमाण है साहब, घर में जो भी मूर्ति होती है, जमीन, ये जमीन है, इससे अंगूठे को उठाकर देख लो, हाथ को, बस इतनी बड़ी मूर्ति प्रतिमा स्वरूप घर के अंदर होना चाहिए, इससे बड़ी नहीं। क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है उसको उतनी व्यवस्था कम करना पड़ती है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है व्यवस्थाएं बढ़ती चली जाती। और निवेदन है, आप अपने घर के कमरे में दूसरों को अलाउ नहीं करते। करते हो क्या? जेठानी का लड़का आया तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गया, देवरानी का आया या ननंद के छोरा छोरिया है तुम्हारे कमरे में बैठ गया, तुम्हें अच्छा लगेगा? जल्दी कर बैठ, निकल अपने कमरे में। तो बच्चे कहते हम कहां जाए, दादी के कमरे में जा, जा। क्योंकि बेचारी दादी का कमरा तो पंचायती, अपने कमरे में कोई नहीं होना। और ले देकर केवल एक भगवान का कमरा ही ऐसा होता है, भगवान का मंदिर एक ऐसा होता है जिसमें सब सब। तीर्थ करने गई कहां? रामेश्वर। गणेश जी भगवान शंकर से बोले पिताजी फिर तीर्थ गई है? शंकर जी बोले बेटा खसक के बैठ या पकड़ के लाती होगी। तीरथ गई वहां से रामेश्वर जी को ले आई, फिर बद्रीनाथ गई वहां से पकड़ लाई, द्वारका गई वहां से ले आई। इतना सारा देवी देवता एक ही मंदिर में, सारा पितर देव, ये देव वो देव सब बैठा, बेचारा ये सब खसका खसका आया बैठा, इतना सा तो मंदिर उसमें भी ऐसा फंसा फंसा आया बैठा, और उसी में पानी का लोटा, उसी में जल सब रख गई, और मालूम पड़े वो लोटा भी लुढ़क गया, सब गीला हो गए। गणेश जी ने कहा पिताजी पूरे गीला हो गए। शंकर भगवान बोले बेटा अब तो आरती करके गई, कल ही आएगी, अब तो गई। और सुबह से आई इतनी सी शक्कर लिए, इतनी सी कटोरी में, और जय, और आरती भी कर रही शक्कर धर के, और दिया हाथ में, और इधर हाथ में घंटी, तन मन धन सब कुछ तेरा, मुंह से बोल रही तेरा, ऊपर से दिखा रही ठेंगा, समझना मत ही तेरा, समझना नहीं तेरा। पहले के लोग घंटी बजाते थे, अंगूठा नीचे रखते थे, आज के जमाने में तन मन धन सब कुछ तेरा, समझ भगवान भी कह का फस, इतनी सी शक्कर, और सब भगवान के सामने एक इतनी सी शक्कर धर दी। गणेश जी के मैं खाऊं, राम जी के मैं खाऊं, हनुमान जी के मैं खाऊं, सब झगड़ रहा है, इतने में सब झगड़ रहे। तो इन्होंने विचार करा, इनने खाने के चक्कर में अपनी किचकिच कराई, अब की बार ये किचन में जाओ तो अपन भी किचकिच कराओ। अब सारे पंडितों से पूछती फिर रही, महाराज घर में शांति नहीं, घर में शांति नहीं। अब महाराज जी के कहीं मालूम कि क्यों शांति नहीं, जब देवताओं का किचकिच कराएगी तो तुझे कौन छोड़ेगा, जब कर किचकिच। भगवान और बचा कुचा था तो वह दिवाली दशहरा आया, जन्माष्टमी आई, इतना सारा भगवान के थाली में रख के अचार लेके बैठ गई, आज तो जन्माष्टमी है। और बच्चा कुचा तो पाउडर लिए कौन कौन सा पीताम्बरी, उससे झगड़, ऐसा रगड़ा ऐसा रगड़ूंगी पूरा साफ हो जाएगा। और जन्माष्टमी के दिन ऐसा रगड़ा ऐसा रगड़ा, भगवान कह रहे राधा आज मेरा जन्मदिन और ये मुझे घस रही। भगवान बोले अब घस लेन दे। राधा जी बोली कोई बात नहीं, बाद में मैं उपटन लगा दूंगी प्रभु, अब इसका जन्मदिन आन दे, जैसी करनी वैसी भरनी। अब खुद का जन्मदिन आया, शादी की सालगिरह आई, पति के साथ जा रही थी मंदिर में दर्शन करने, स्पीड ब्रेकर पे से एसी फिकाई, सब दूर से घस आई, चार दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही, सब मिलने आए, जीजी कैसे हो गया मेरा तो बताओ, मंदिर जा रही थी और घिस आ गई। भगवान बोले तूने मेरे जन्मदिन पे घसा, तेरे जन्मदिन पे मैंने घसा, हिसाब बना और घस जा, घस ले, घस ले। भगवत भजन चित्त वृत्ति में परमात्मा में भाव होना चाहिए।